हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन किया था, एक्सप्रेस क्वेश्चन था हमने, किसमें एक्सप्रेस करना था, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस करना था। वो हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, शायद मे भी आपने बाकी क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए होंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है। अगर आपके पास BCA थर्ड सेम की बुक है तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको भी हमने क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्टेप वन क्या करना है, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन दिया है वही लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ही है तो हमने क्वेश्चन ही लिख देना है, ठीक है। 5 प्लस √2 iota 1 − √2 iota, ठीक है। आयोटा नीचे है तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस होगा तो वहाँ पर प्लस लगाना है। देखिए कैसे करेंगे, तो 1 प्लस √2 iota 1 प्लस √2 iota, ये देखिए गाइस, रैशनलाइज करना है। माइनस होगा तो प्लस लगाना है, अगर प्लस होगा तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। जहाँ पर पता नहीं लगेगा मुझे कमेंट करना है, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर पर्सनल मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है। तो ये है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 5 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 5 आ गया। उसका 5 से √2 iota को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 5 √2 iota। उसका हम √2 iota को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √2 iota प्लस √2 iota प्लस √2 iota। ये देखिए गाइस, √2 iota मल्टीप्लाई √2 iota कितना होता है। अब देखिए √ से √ कट जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर से भी √ कट जाते हैं, ठीक है। तो √ से √ कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 iota × iota मल्टीप्लाई iota iota स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 2 iota स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। कैसे किया, पहले हमने इस टर्म को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को, ठीक है। जो 5 के साथ हो जाएगी, 5 × 5, ठीक है। 5 × 1 5 5 को हम √2 iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 √2 iota। उसके बाद हमने √2 iota को करना है, हमने इसके साथ पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, √2 iota मल्टीप्लाई 1 √2 iota, उसके साथ √2 iota मल्टीप्लाई √2 iota, जो कि मैंने आपको बताया ये होता है। अगर अंडरूट से अंडरूट मल्टीप्लाई करें तो अंडरूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, मेन पॉइंट है, ठीक है। उसका देखिए नीचे हमारे पास एक और है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मूला लगता है, a² − b² ये होता है, a + b a − b, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा, ये देखिए a + b, ए यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखो a + b a − b, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया ये वाला, ये किसकी इक्वल होता है, a² − b²। तो a² क्या है, इधर a इधर है, इधर हमारे पास 1² माइनस b की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर b की वैल्यू वही है, यहाँ पर b वैल्यू वही है, तो b की वैल्यू क्या है, √2 iota का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ तक, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। अभी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे किया है, ठीक है। उसके बाद है तो इजी, पर थोड़ा सा आपने माइंड जो है अपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, 5, उसके बाद √5 √2 iota प्लस √2 iota होता है हमारे पास, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा ये, ठीक है, ये देखिए आप 5 √2 iota प्लस √2 iota कितना होता है गाइस, प्लस करना है, सिंपल सा आपको पता है, 6 √2 iota हो जाएगा, बाकी +2 − 1, ठीक है गाइस। -1 कैसे आएगा गाइस, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पर जिनको पता नहीं है उनको मैं बताता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वेयर दिखेगा -1 पुट कर देना है, ठीक है। उसके नीचे 1 आ जाएगा, 1² 1 होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, √ से √ कर जाते हैं, यानी कि √ से √ कर जाएगा तो 2 आ जाएगा, आयोटा भी साथ में है, आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप,
अब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, सिंपलीफाई 5 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस है तो -12 आ जाएगा, 2 ओवर 1 माइनस 2 माइनस 1। कैसे आया -1? आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। वेरी गुड, मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। माइनस का 2 प्लस का 5 कितने बचे? 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या ले लेना है? स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा मैं आपके साथ सेशन करूँगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा ओवर 3। ऐसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, कई कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप नहीं रहते, अगर आप बुक में से करेंगे तो बुक में आपको पता नहीं लगेगा कि किया क्या है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो सुना रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 3 3 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 प्लस 6 है यहाँ पर, अगर हम 3 कॉमन लिया तो 3 की टेबल 6 आ जाए, 3 2 6 अंडर टू आयोटा, डिवाइड कर देना। मतलब कैसे, जब हम कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब सभी को पता ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। बाकी 3 यहाँ से यहाँ हम काट देंगे। ठीक है, ये बच गया हमारे पास 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ए आ गया हमारे पास इसकी फॉर्म में, ए कितना है यहाँ पर हमारे पास 1, बी कितना है 2 अंडर रूट 2, तो वेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और ये आ गया हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है गाइस, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और उसके बाद बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, बाकी ठीक किया है, अगर कहीं गलती होगी तो मुझे बता देना। बाकी ऐसे करना है आपने स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने अगर आयोटा नीचे होगा तो आपने इसको कहना है रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर अगर माइनस होगा तो प्लस ले जाना है, अगर प्लस होगा तो माइनस ले जाना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो हमने क्या लिया, प्लस यहाँ पर लिया, प्लस करने के बाद यहाँ पर हमने सिंपलाइज मल्टीप्लीकेशन की, जो आपको आ जाती है आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, स्क्वेयर से अनरूट कर जाता है, और अनरूट से अनरूट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अनरूट कर जाता है, और वैसे हमारे पास आ जाएगा, उसका सिंप्लीफाई करना है और उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना सही, एक ही क्वेश्चन कराया, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आपने मुझे बताना है, कमेंट करना है। तो इस वीडियो में इतना सही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।